कई पीयूष कह रहे हैं ड्रोन लेने के लिए। अगर भाई अपने पास रियल ड्रोन पड़े भाई तो रियल ड्रोन उड़ान देते मेरे को कभी जिंदगी में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस रेडी हो गया हूँ, सामान पैक हो गया है, बिकॉज आज हम जा रहे हैं दिल्ली, फिर वहां से हम जाएंगे मुंबई एक शो में। पीयूष को लेके जाऊंगा मैं, पीयूष को सरप्राइज है, मैं पीयूष को बता नहीं रहा मैं अभी, पीयूष स्कूल गया हुआ है, तो जैसे ही वो स्कूल से आएगा ना उसको सीधा मैं लेके जाऊंगा दिल्ली, फिर कल हम फ्लाइट जाएंगे सीधा मुंबई। क्या शो है, किस तरह का है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मजा आएगा। फिलहाल मैं तो रेडी हो गया, फिलहाल सामान पैक करते हैं, पीयूष का सामान पैक कर रहा हूँ, और पीयूष को पता नहीं है वो स्कूल गया हुआ है, उसको पता नहीं है, उसको सीधा स्कूल से उठा लूंगा मैं। तो फिलहाल मैंने पीयूष का सामान पैक कर दिया इस बैग में, हम दो दिन के लिए जा रहे हैं, छोटे बहुत कपड़े, बाकी उसका ब्रश व्रश रख दिया मैंने, बाकी उसकी बेल्ट भी रख दी है, बाकी उसको कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसको मुंबई लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ। जाने से पहले खाना खा लेते हैं, खिचड़ी बनी आज मस्त, खाना पैक करवा लिया मैंने पीयूष के लिए, उसका बैग लेके चलते हैं। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है ना, हाईवे होती है ना उसमें पानी भरा होता है, कहीं पर ब्रेकर आते हैं बेटा, बहुत ध्यान से ध्यान से चलूंगा, टेंशन मत, टेंशन मत, ध्यान से। चप्पल भी रख दो, हाँ चप्पल भी रख दो, हाँ रख दो रख दो, मेरी वाली भी रख दो। चलो भाई घर से निकल गया हूँ, जय माता रानी, सब कुछ ठीक रखना, ओके बाय। तो अब जा रहा हूँ सीधा पीयूष के स्कूल, पीयूष को पिक करूंगा, सरप्राइज दूंगा कि भाई चल रहे हैं अपन सीधा कहीं पे, उसको बताऊंगा नहीं। लेकिन मैं गाइज आज भी मम्मी भेज नहीं थी हमको अकेले, इतनी मुश्किल से मनाया मैंने मम्मी को कि मम्मी मैं आराम से आऊंगा, स्लोली जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली मना लिया। अब अकेले भी जाना ही पड़ेगा, हमेशा ही हर किसी के साथ में जा सकते हैं ना, बट मम्मी को टेंशन होती है, अब जब तक मैं पहुंचूंगा ना दिल्ली, मम्मी के दिल में ना वो टेंशन रहेगी, वो माँ का दिल होता है ना, तो मम्मी को टेंशन रहेगी, वो मेरे को पता है, फोन करती रहेगी बार-बार कि कहाँ हो, कहाँ पहुंचे, आराम से लाओ। वैसे पीयूष कंफ्यूजन में तो होगा कि भाई आज बस में क्यों नहीं आने दिया, आज लेने क्यों आ रहे हैं। तो पहुंच गया स्कूल। हां भाई क्या बात, आज ऐसे क्यों है? आज ऐसे क्यों बुलाया? आज मैं लेने आ गया तेरे को। क्यों? बस ऐसी ऐसे क्यों आ गया लेने? चलो फिर, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। फास्टनिंग रुको करो, सीट बेल्ट लगा ले, बस सीट बेल्ट लगा ले, अब बस बस अब सरप्राइज है, अब तेरे को लेके जा रहा हूँ मैं कहीं। कहाँ पर? घर। अभी तो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं? पहले घर चलते ना, बैग वैग रख के आऊंगा, स्कूल ड्रेस चेंज करके आऊंगा, तब चलेंगे ना दिल्ली। नहीं नहीं अभी सीधा दिल्ली, सीधा दिल्ली, लेट हो रहे हैं ना अभी। अरे तो लेट हो रहे, एक दस मिनट में चेंज करके आ जाऊंगा, जल्दी चलो। नहीं नहीं ऐसी चले, ऐसी। अरे मैं पसीना पसीना कितना रखू, ये तो देखो। कोई बात नहीं, तेरे कपड़े अपड़े सब लेके आया हूँ मैं, टेंशन, तेरी पैकिंग करके आया हूँ मैं, तेरा आईपैड भी रख के आया हूँ मैं। मेरी पैकिंग आप क्यों करके आए? जा रहे हैं ना, सरप्राइज है, कल है तेरे लिए सरप्राइज। अभी भाई लेट हो गए, अपन अंधेरे में पहुंचेंगे दिल्ली। चलो भाई पीयूष को पिक कर लिया स्कूल से ही, खाना पैक करा के लाया हूँ मैं, आलू की सब्जी और रोटी है। गए जब जो पोपट हुआ है ना हमारे साथ में, मैं दिल्ली वाले घर की चाबी ही भूल गया भाई, वो घर ही पड़ी है, अब वापस घर जा रहे भाई। भाई जब भी घर से निकलते हैं ना कुछ भूल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, ज्यादा दूर नहीं गया था, 10 किलोमीटर दूर गया था बस। तो गाइस फाइनली चाबी मिल चुकी है, इस मम्मी का नाम लिखा हुआ है, दोबारा से बाय बाय। निकल गए दोबारा सोसाइटी से। गाइस वैसे जाने को तो हम सुबह भी जा सकते थे, बट पीयूष का स्कूल मिस नहीं करना था इसलिए स्कूल के बाद जा रहे हैं। पीयूष को लग गई भूख तो फिलहाल खाना खा रहा है। तो गाइस दिल्ली पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 39 किलोमीटर रह गया, पहले हम जा रहे हैं मॉल शॉपिंग के लिए। दिल्ली में आते ही ट्रैफिक शुरू। अब इसको मॉल के अंदर जाने के लिए शूज डाल रहे हैं, मैं कहता चप्पल में चल ले कुछ नहीं होता। तो गाइस अब जा रहे हैं ऊपर मॉल में शॉपिंग के लिए पीयूष के लिए, पहले भूख लगे कुछ खा लेते हैं पहले। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, हमें जो भी शॉपिंग करनी हो ना, खाने पीने का देखते हैं। चलो ये रहा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट क्या खाएगा? आपकी पसंद दाल। तो हमारा डोसा आ गया। तो गाइस खाना तो हो चुका है, और देखो देखो खाने के बाद पान दिए इन्होंने। तो भी आ गए शॉपिंग के लिए H&M में। गाइस पूरा H&M छान दिया हमने, फिर उसके लिए कपड़े ही नहीं मिले। अब जा रहे जारा कुछ नहीं मिलता कभी, यहाँ भी नहीं मिल रहा। अरे ये देखो ना यार, अब यहाँ क्या लिख रखा है, पढ़ो उसको, एक्सट्रीम वाइड फिट। ये देखो मेरा हाथ भी छोटा लगेगा इसमें भाई, फटे हुए तो लेने भी नहीं है भाई, पूरी और फाड़ देगा घर जाके। गाइस इसको जारा में भी नहीं मिल रहा। तीसरे स्टोर में आ गए हम, अब हम जा रहे हैं चौथे स्टोर पे। तो गाइस अभी हम आए थे यहाँ पे सारे झूले बंद पड़े भाई, यहाँ ही पोपट हो गया आज पूरा, सुबह से पोपट क्यों हो रहा है तुम्हारा? गाइस आज का दिन ही खराब है हमारा, लेकिन कल का दिन बढ़िया होगा भाई, कल सरप्राइज मिलेगा। लेकिन कपड़े नहीं मिले पीयूष के लिए, यार कपड़े मिल जाते ना सही था। तो गाइस ये देखो, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा हमको, यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, स्टीयरिंग भी है, आई थिंक स्टीयरिंग से ना गाड़ियाँ चलेंगी। अच्छा ये है देखो 150, गाइस ये भी बंद है। गाइस पीयूष कह रहे हैं ड्रोन लेने के लिए, अगर भाई अपने पास रियल ड्रोन पड़ा है भाई तो रियल ड्रोन उड़ान देते मेरे को कभी जिंदगी में, खाली क्रैश हो गया तो कितने का पता है, 1.5 लाख रुपए का ड्रोन है, उसको उड़ाएंगे मस्त। चलो मेरा हो गया, कितना ऊपर जाता है? थैंक यू।
यार हम कपड़े लेने आए थे, ड्रोन लेने थोड़ा आए थे। तो भाई जब हमारा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो हम ढूंढ रहे हैं आइसक्रीम नेचुरल। अरे आएगा ये रहा नेचुरल। भाई जिस काम के लिए आए थे मॉल वो तो हुआ ही नहीं। खुश तो बहुत हो गया आज भाई। 10 बजने वाले हैं तो सारे स्टोर्स बंद हो रहे हैं अब, और 11 बजे तो मॉल ही बंद हो जाएगा भाई। अरे मिल गया नेचुरल। अरे नेचुरल नहीं है, नेचुरलाइजर है भाई। पॉपट हो गया, मुझे लगा नेचुरल है। फाइनली मिल गया भाई। ले भाई मैं तो नॉर्मल मैंगो। तो भाई सब कुछ हो गया है लेकिन शॉपिंग नहीं हो पाई। बस अब जा रहे हैं सीधा दिल्ली वाले घर पे। चले तो भाई यहाँ से घर है 32 किलोमीटर, 49 मिनट और लगेंगे भाई अभी। भाई मम्मी देखिए गुस्सा करेगी यार। गुड नाइट भाई, उठा देने जब घर पहुंचोगे। एक घंटा सोऊंगा अभी तो। फाइनली स्कूल से घर आ गया। अब स्कूल का होमवर्क करना है। होमवर्क कल सुबह जाना है भाई। तो क्या हुआ, होमवर्क तो करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले काम तो टिफिन धोना है मेरे को अपना। टिफिन धोना? यस। अरे हाँ यार, इसमें कुछ बचा बचा तो नहीं हुआ कुछ? Yes. दो दो टिफिन ले जाते हो भाई? दो की एक किसके लिए आता है, किसके लिए आता है एक भाई? यहाँ से चलो ये सही है, इसको टिफिन धोना याद है। रात के 11 बजे टिफिन धो रहा है अपना। मैं तो खाना खा रहा हूँ, मम्मी ने रोटी बनाई थी सुबह, तो सुबह की रोटी ये खाएंगे, लेकिन ये बहुत टेस्टी होगी साथ में आलू। तो गाइज अभी प्रणव भाई आए मिलने के लिए, और क्या मस्त गाड़ी लेके आए, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। पीयूष को पता है इसके बारे में, कौन सी गाड़ी है? BMW XM। गाइज इसकी छत देखो, पूरी डायमंड कट छत है इसकी, कितनी मस्त लग रही है। छत रूफ छत ही है ये एक्चुअल में इसकी शेप ही ऐसी है। ये गाड़ी की शेप देखो ऊपर से। इसके अंदर मसाजर भी है इसके अंदर, और स्क्रीन देखो कितनी बड़ी, वहां से लेके यहां तक कितनी बड़ी स्क्रीन है। कितने की है ये गाड़ी? 2.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं हम इस गाड़ी की एक मस्ती दिखाता हूँ आपको वो भाई ये देखो गाड़ी बंद करते अपने आप स्टीयरिंग ऊपर जा रहे हैं भाई गाइस बाहर से देखो कुछ ऐसी दिख रही है भाई बहुत बड़ी गाड़ी यार ऊपर से ब्लैक कलर की है 2.5 करोड़ की गाड़ी है इसकी टायर इसके अलॉय देखो भाई कितने इंच के हैं 23 इंच। और पीछे से देखो भाई, चलो गाइस अब टाइम आ चुका है 2.5 करोड़ की गाड़ी चलाने का। पीयूष को पूरी नॉलेज है गाड़ियों के बारे में, पीयूष से कोई भी गाड़ी के बारे में पूछ लो उसको सब बता देता है। अगर कोई भी BMW की गाड़ी में ये बना हुआ है, कहां गया वो? यहां ये M, तीन डंडे और M बना हुआ है। मोटर स्पोर्ट मतलब बहुत ज्यादा पावर। टाइम आ चुका है चलाने का, चलो अब ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए बटन दबाना पड़ता है, यहाँ पे है ना ये देखो स्टार्ट स्टॉप, ये स्टार्ट। मतलब हाइब्रिड कार है ये, इलेक्ट्रिक भी है और पेट्रोल भी डलता है इसमें। इसका रेंज पता है कितना है वैसे? कितना? 63। मतलब अगर दोनों फुल्ली चार्ज्ड हो और अच्छे से चलाओ तो 63 का एवरेज देगी गाड़ी। 63 का एवरेज भाई इसमें तो पता नहीं चल रहा गाड़ी चल रही है। गाइस गाड़ी चल रही है देखो, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। देख मेरे को देखना ठीक है, मैं एकदम से पीछे जाऊंगा जैसे ही मैं एक्सलेट करूंगा। भाई सिर लग रहा है मेरा लीटर। मत करो भाई, ये गाड़ी है क्या है, मैं तो पहली बार चला रहा हूँ ऐसी कोई इतनी फास्ट। कितनी देर में जाती है 100 कितनी देर में जाती है? 2.89 दो सेकंड में 2.9 सेकंड में 100। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया आज BMW XM चलाने का, थैंक यू प्रणव भाई। तो गाइस गाड़ी चला के आ गए हैं, अब फिलहाल सोते हैं। तो हाँ कल सुबह हम निकलेंगे सीधा मुंबई के लिए। अभी टाइम देखो भाई 12 बज चुके हैं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हाँ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कपड़े देख ले, मैं तेरे कपड़े लाया तो हूँ, मैं तेरे कपड़े देख, तेरे कच्चे भी रखे हुए मैंने। कितने कच्चे रखे? सारे 3 रखे हैं। हाँ ठीक है, एक महीने 3 दिन के तो जा रहे हैं अभी। कोई भी डाल ले, मॉल जाना है कोई भी डाल ले, येलो वाले डाल लेता हूँ ये ठीक है।